प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश बजट में शहरों के आधारभूत विकास का आगामी 5 साल का विजन प्रस्तुत किया गया है। शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास और सड़क निर्माण के लिए इस बजट को करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की गई हैं। इनमें अकेले जयपुर विकास प्राधिकरण के 2400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार का प्रमुख फोकस शहरों के आधारभूत विकास को लेकर है। इसी लिहाज से इस बजट में शहरी जनता को यातायात जाम से बचाने और सड़कों का जाल बिछाने के लिहाज से 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। इस पूरे बजट की खास बात ये भी रही कि जेडीएस सहित जिन निकायों ने विकास कार्यों के जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे थे, उसमें से कई प्रस्तावों को लेकर इस बजट में घोषणा की गई। जयपुर शहर के लोगों को करीब 2400 करोड़ रुपए से अधिक राशि के प्रोजेक्ट्स की सौगात इस बजट में मिली है। 65 करोड़ रुपए की लागत से इमलीवाला फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। जंक्शन पर वाहनों के जाम के कारण सहकार मार्ग पर यातायात अवरुद्ध नहीं होगा। 72 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास पर रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। इससे तिराहे पर लगने वाले वाहनों की लंबी कतार से मुक्ति मिलेगी। 95 करोड़ रुपए की लागत से जगतपुरा सीबीआई पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। आगरा रोड खुना गोरियान से 7 नंबर बस स्टैंड महल रोड जाने के लिए रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। 86 करोड़ रुपए की लागत से सालिग्रामपुरा फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से बिलवा के पास टोंक रोड और महल रोड के बीच आवागमन सुगम होगा। 98 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में वंदे मातरम मार्ग पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस जंक्शन पर कई दिशाओं से वाहन चालक आते हैं, इसके चलते अक्सर जाम की स्थिति होती है। 1.2 किलोमीटर लंबाई के फ्लाई ओवर के निर्माण से इस जंक्शन पर यातायात सुगम हो सकेगा। 170 करोड़ रुपए की लागत से सांगनेर फ्लाई ओवर से चौरडिया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर सर्कल से ओटीएस चौराहा होते हुए जवाहर सर्कल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इस 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट के सभी जंक्शनों पर यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई है। इसे 3.6 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट में आने वाले 7 मुख्य चौराहों पर जाम से मुक्ति मिलेगी। सीतावाला फाटक बैनार रोड के मध्य 14.37 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। नाड़िका फाटक पर 86.89 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। जयपुर शहर में यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर की तो घोषणा की गई है, साथ ही सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। 3 करोड़ रुपए की लागत से टोंक रोड और पागी रोड के बीच 30 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण की फिजिबिलिटी स्टडी करना प्रस्तावित है। एक सड़क के निर्माण से जेडीए की नॉलेज सिटी साउथ, चित्तौड़ा तथा अन्य योजनाओं की कनेक्टिविटी के लिए अच्छी सड़क उपलब्ध होगी। आगामी 5 साल में 300 किलोमीटर लंबाई के सेक्टर सड़कों के निर्माण का जेडीए ने लक्ष्य रखा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम चरण में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 100 किलोमीटर की लंबाई में सेक्टर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित। सेक्टर सड़कों के निर्माण से इससे सटे इलाकों में नियोजित विकास होगा। बरसों से कागजों में बंद पड़े सेक्टर सड़कों के निर्माण से विभिन्न इलाकों में कनेक्टिविटी मिलेगी। 90 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर रोड पर महिंद्रा सेज के पास 250 फीट और 200 फीट सड़क पर फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट से सांगनेर से बगरू की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को सुगम मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। जयपुर में 4000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारने की अहम जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण के आला अभियंताओं पर रहेगी, जबकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी जेडीए की राजस्व शाखा और जोन उपायुक्तों पर होगी। इन बजट घोषणाओं को साकार रूप देने के लिए जेडीए को एक पूरी टीम की तरह मशक्कत करनी होगी। पर्स इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।